जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड लखनऊ के जो फॉर्म आए थे वो एक डेढ़ महीना पहले फॉर्म आए थे, और इसका टर्म एंड कंडीशन ये होता है कि इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं लिया जाता है। जनरल OBC EWS कैटेगरी से ₹500 का अप्लीकेशन फी लिए जाते हैं और 6 पेज का अप्लीकेशन है। अप्लीकेशन फॉर्म भर के और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सबको जीरोक्स करा के और जाके वहां पे सबमिट करना होता है, और सबमिट करेंगे तो आपका इंटरव्यू का बारी आएगा और फिर आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो क्या है ना कि फॉर्म बहुत ज्यादा बच्चे भर के और वहां पे चले गए थे, तो जहां पे जो इंटरव्यू का प्लेस दिया गया था वहां पे इतने ज्यादा बच्चे आ गए थे कि एक बच्चे मतलब अपना क्या बोलते हैं उसका पैर टूट गया, गिर के भगदड़ मच गया, पुलिस आ गई, बहुत से चीज हो गए। तो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के जो कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो कराया गया था इंटरव्यू जो वहां पे कराया गया था ना, वो इंटरव्यू जो लेने आए थे कंडक्ट करने आए थे उनसे वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो देखिए क्या होता है ना कि जब आप एप्लीकेशन फी दे रहे हैं, मतलब कहीं पे आप एप्लीकेशन फी दे रहे हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, मतलब इंटरव्यू होगा या एग्जाम होगा। आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज का एप्लीकेशन फॉर्म आया और उसमें फीस जो है ना वो ₹0 रखा जाता है। तो ₹0 रखने के बाद क्या होता है ना कि जब ₹0 रख लिया जाता है तो उसका एडमिट कार्ड परसेंटेज पे रिलीज किया जाता है। तो अगर वही पैसा ₹100 भी अगर लिया जाता तो सबका एडमिट कार्ड आता और सब लोग एग्जाम देने जाते। इसी तरह AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा ₹500 का एप्लीकेशन फी लिया जा रहा था, यानी कि इंटरव्यू होता, इंटरव्यू होगा, कभी ना कभी इंटरव्यू होगा। तो फिर क्या हुआ ना कि वहां पे भगदड़ ज्यादा मच गए तो पुलिस आई और सबको कंट्रोल करके मतलब बीच का नतीजा ये निकाला गया कि क्या करते हैं ना कि सबका एप्लीकेशन सबमिट करा लेते हैं और सबमिट एप्लीकेशन डिमांड ड्राफ्ट के साथ सबमिट करा लेते हैं। सबमिट कराने के बाद हम इनको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े में करके इंटरव्यू लिया जाए। तो इंटरव्यू जब ऐसे मतलब हुआ ना तो काफी बच्चे को उन्हीं पे बिलीव नहीं हुआ कि क्या करते हैं कि अब ₹500 का एप्लीकेशन फी जमा कर देते हैं डिमांड ड्राफ्ट और फ्री फोकट में ये इंटरव्यू लेंगे नहीं, मतलब उनमें सस्पेंस नाम की कोई चीज नहीं आई। तो जिसके चलते वो अपना डिमांड ड्राफ्ट लेकर एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दिए, लेकिन उन लोग अच्छे हैं और सभी बच्चों के पास कॉल कर रहे हैं। तो अब कॉल कर रहे हैं तो अब मेरे पास कॉल आ रहा है कि जैसे क्या है ना कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में, इंटरव्यू देने के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में सभी प्रक्रिया मैंने बताया था और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी काफी ज्यादा बच्चों के पास है। तो उधर से रिप्लाई मतलब कॉल करके बोला जा रहा है कि क्या भैया कॉल आया है ये सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो इसी के रिगार्डिंग हम देखिए आपको आज समझाने वाले हैं कि इंटरव्यू कैसे होता है, क्या कैसे आपको कैसे जाना है। देखिए उधर से जब कॉल आया तो बोला जा रहा है कि 6 अप्रैल को मोहन होटल नियर बाई रेलवे स्टेशन चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ में आपको आना है और वहां पे आने के बाद आपको इंटरव्यू देना है। तो उधर से मेरे पास कॉल आया क्योंकि मेरे गाँव का भी मैंने एक दो लड़के को भेजा था, तो जो भी मतलब मेरे दोस्त हैं उनको भेजा था कि जाके इंटरव्यू दो, तुम्हें जॉब की जरूरत है। तो वो लोग बोले कि ठीक है जाते हैं, तो इंटरव्यू तो हुआ नहीं। तो उनके पास भी कॉल आया कि ऐसा ऐसा बात है, आप आके इंटरव्यू दीजिए। वो एड्रेस नोट करा दिए, ये एड्रेस बस बाई फोन पे बोला जा रहा है, कोई मेल या मोबाइल पे मैसेज नहीं आया। अगर आपके मोबाइल पे रिचार्ज नहीं है, इनकमिंग सुविधा बंद है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाएगा। तो फिर आप इस स्थिति में क्या कीजिए कि आप 6 अप्रैल को ही मोहन होटल में जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए और वहां पे इंटरव्यू के लिए बोलिए, आपसे वो इंटरव्यू जरूर लेंगे। अब बात आता है कि जो इंटरव्यू होता है ना वो लैपटॉप पे वीडियो कॉलिंग के थ्रू होता है, जैसे गूगल मीट पे या जूम पे जैसे लाइव वीडियो कॉल पढ़ाई होता है ना उसी तरह मतलब होता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है उसी एयरपोर्ट के मतलब वो कर्मचारी लोग जो होते हैं, जो भी अफसर लोग हैं, वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि जैसे इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, तो वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या चेक होता है 40 पोस्ट पे वैकेंसी थी, 40 पोस्ट पे अगर वो वैकेंसी है तो यानी कि इसका 4 वैकेंसी 10% हुआ। मतलब अगर इसका हम परसेंट निकाले मैथ के कैलकुलेशन के हिसाब से 4 वैकेंसी 10% हुआ, तो सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार क्या है ना कि रिजर्वेशन कैटेगरी इस प्रकार है कि 27% OBC को और 15% SC को, 7.5% ST को, 10% EWS को और 40% UR को। तो इसमें 4% हो गए यानी कि मतलब सॉरी 10% हो गए EWS को, यानी कि 4 वैकेंसी हो गए EWS के लिए, 7.5% यानी कि 3 के आसपास हो गया ST के लिए, 15% यानी कि 6 वैकेंसी हो गया SC के लिए, 27% यानी कि 27% की अगर हम बात करें, 9 वैकेंसी हो गया ठीक है OBC के लिए, उसके बाद जो वैकेंसी बचे वो हो गया UR के लिए। इनमें जो सिलेक्शन होता है वो कैटेगरी वाइज ही सिलेक्शन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी जनरल वाले बच्चे को ही के लिए सिलेक्शन के लिए सभी OBC वाले बच्चे का ही सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और बस ऐसा ही रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार ही सिलेक्शन होता है। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या लेके जाना है, तो अगर आप EWS SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट
वाला होना चाहिए। उसके बाद एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको 10th का ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है और भी कोई एक दो डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिएगा, लेकिन यही 3 डॉक्यूमेंट्स की इंटरव्यू में जरूरत पड़ता है। और जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है ना, ये सिलेक्शन होने के बाद होता है। मतलब जब जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसको कॉल जाएगा ना, उसके बाद आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना है। तो अब सवाल आता है कि इंटरव्यू कैसा होता है। जैसे आपको सीरियल वाइज से बैठा दिया जाएगा, टोकन मिलेगा और आपका डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लिया जाएगा। इंटरव्यू होने से पहले एक 15-20 किलो का बैग होगा, वो बैग आपको उठा के 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर ये चलना होता है। ये हो गया फिजिकल टेस्ट, मतलब आप कर सकते हैं कि नहीं, आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं, फिटनेस आपका सही है कि नहीं, ये हो गया फिजिकल टेस्ट। उसके बाद आप इंटरव्यू में जाएंगे। तो इंटरव्यू में सबसे सवाल आता है कि पूछा क्या जाएगा। तो देखिए, इंटरव्यू में अगर आपसे इंटरव्यू कोई लेडीज ले रही है और लेडीज जेंट्स दोनों आदमी मिलकर ले रहा है, तो आपको जाना है ना। तो अगर गुड मॉर्निंग का टाइम है तो मतलब तो गुड मॉर्निंग विश करना है, और गुड आफ्टरनून का टाइम है तो गुड आफ्टरनून विश करना है। यही दो टाइम में इंटरव्यू होता है। तो देखिए, अगर लेडीज और मेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों आदमी है, तो पहले फीमेल को विश करना है, फिर मेल को विश करना है। ये करने के बाद आपको, अगर जब तक वो लोग बैठने के लिए ना बोले तब तक बैठना नहीं है। और जो मतलब जो बात आपको पता है, जैसे जो भी चीज आप उनसे पूछेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो एकदम आप अपना जो कहना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके बताइए कि आप एजुकेशन कहाँ से प्राप्त किए हैं, किस स्कूल से पढ़े हैं, ऐसा आपके पिताजी क्या करते हैं, मतलब आपकी फैमिली कंडीशन, जो भी आपसे वो पूछे। ये इंटरव्यू में ऐसा ही पूछा जाता है, इंटरव्यू में आपसे मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हो सकता है कि यूपी में है तो यूपी बिहार के तो बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कि बाहर के किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में ऐसा होता है अक्सर, या विमान मंत्री का नाम पूछा जाएगा, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्यादा इशू बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं है, आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल, हेडिटेशन नाम की जो चीज होती है ना, वो हेडिटेशन नहीं होगा तो आपका इंटरव्यू 110% क्लियर होगा। और ज्यादातर बच्चे जो है ना हेडिटेशन के कारण ही छट जाते हैं। इसीलिए अगर हम बात करें तो आप जाइएगा और नॉर्मल इंटरव्यू दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता चल गया कि इंटरव्यू में कैसे होगा और डॉक्यूमेंट्स मतलब वेरिफिकेशन कैसे होगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप सभी लेकर जाइएगा, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यही 3 डॉक्यूमेंट्स मेरे इंटरव्यू में जरूरत पड़ा था। तो आई होप मेरे वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।